नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा आपका ही YouTube चैनल हेल्थ टिप्स में। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं सेसा हेयर ऑयल के बारे में। सेसा हेयर ऑयल क्या है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे बात करने से पहले मैं चाहूँगा जो हमारा YouTube चैनल है हेल्थ टिप्स, आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की जो वीडियोज है उसका आपका इन्फॉर्मेशन, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हमारे सामने है सेसा ऑयल, यह 100 ml एंड 200 ml की बोतल में आता है। आपको यह किसी भी मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर या जनरल स्टोर पे आसानी से मिल सकता है। आप चाहें तो किसी ऑनलाइन वेबसाइट से भी इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, जो 100 ml है उसकी कीमत आपका, जैसा कि देख रहे हैं, इसकी MRP है आपका 130 rupees और जो 200 है इसकी MRP है 245 rupees। यह आपका काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, क्योंकि मार्केट में कई तरह के जो हेयर ऑयल आते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, जिसे कोई भी आम आदमी जो है इसे यूज नहीं कर पाता। तो यह काफ़ी चीप एंड बेस्ट ऑयल है, यह हर कोई इसे यूज कर सकता है। तो चलिए हम इसके चलते हैं बनाने की विधि के बारे में। तो दोस्तों, इसमें 18 तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए, और इसे शीर पाक विधि के द्वारा बनाया गया है। शीर पाक विधि वह होता है जिसमें जो जड़ी बूटी होता है उसको दूध में डालकर 21 घंटे तक पकाया जाता है, उसके बाद यह तैयार किया जाता है, जिससे यह काफ़ी पावरफुल हो जाता है और जिससे आपको जो फायदे हैं इसे काफ़ी जल्दी होते हैं। तो चलते हैं, यह किस लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका बालों में डैंड्रफ, बाल का झड़ना, अगर बाल आपका जल्दी ग्रो नहीं होता, आपका बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं, तो इसमें यह काफ़ी यूजफुल होता है। यह हर एक आयु वर्ग के लिए उपयोगी है। इसे आप बच्चे, जवान और बूढ़े कोई भी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता दोस्तों। तो आप इसे यूज करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका जो ये तेल है वो कैसा लगा। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जो इस ऐसा हेयर ऑयल होते हैं, इसको जो लगाने का जो तरीका है, इसे आप से रात में हल्के हल्के हाथों से इसे मालिश करें, फिर उसके बाद इसे इस्तेमाल करें। साथ ही साथ इसका जो शैम्पू है उसे आप इसे मॉर्निंग में इसे वॉश करें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।